आगरा पुलिस ने सैकड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। आगरा पुलिस और सर्विलांस की मेहनत से आगरा में पिछले 3 महीने से खोए हुए लापता मोबाइलों को बरामद किया गया है। लगभग 400 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। यह उन लोगों के फ़ोन थे जिनके मोबाइल फ़ोन या तो चोरी हो गए थे या फिर कहीं खो गए थे। इन सभी मोबाइलों की कीमत 76 लाख रुपये आंकी जा रही है। आगरा पुलिस लाइन कमिश्नरेट सभागार में DCP सिटी सूरज राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोबाइलों का वितरण किया गया। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिप्रा गुप्ता है। आप मोबाइल कब खोया था आपने? मेरा मोबाइल 9 जनवरी को खोया था जी, जब हम आगरा कैंट जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ना किसी ने पॉकेट से निकाल लिया, मुझे तो नहीं पता चल पाया। लेकिन 2 मिनट बाद जब मैंने देखा ना तो मेरा फोन नहीं था। जब मैंने कॉल किया तो वो स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पे कंप्लेन कराई तो वो ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं उम्मीद थी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है वो फोन। क्या हमारी मेमोरी सारी सब कुछ उसी में होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं खंडारी आगरा का रहने वाला हूँ। खोया था सर? मेरा जुलाई साइड में खोया था। और कहाँ जा रहे थे? गया, खोजा नहीं रहा था, मतलब मेरा रूम पे था मैं, और मैं रूम पे से बाथरूम में गया नहाने, तो मैं कुंडी लगा के गया था सर। मेरा रूम से गायब कर दिया किसी ने। क्या करते थे? सर पढ़ाई करता था मैं सर। मेरा महिंद्रा में कोचिंग करता हूँ SSC, उधर से मैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेता था फोन से। सर बहुत खुशी है, मुझे उम्मीद नहीं थी सर मिल जाएगा मेरा फोन, पर मैं अभी बहुत खुश हूँ। हम दोनों बहने थे तो मेरी बड़ी बहन का मोबाइल 3 तारीख को, हाँ 3 महीने हो गए। मंदिर से हम आ रहे थे, हाँ चिमनलाल पुरी वाले। अब ये मोबाइल मेरे पर्स उसमें से निकाल लिया पर्स ही साइड। मोबाइल मिल गया आपका? हाँ मोबाइल मिल गया। हाँ बहुत खुशी है, वो भी 3 महीने बाद। कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो हमारा मोटो है सेवा सुरक्षा संवेदना, उसी के क्रम में लगातार जो जन कल्याणकारी हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं, और समय समय पर जो आम व्यक्ति के गुमशुदा, खोए हुए, गिरे हुए या चोरी हुए मोबाइल फोन्स जिनकी हमको सूचना मिलती है, उनको IMEI नंबर के माध्यम से ऐसे मोबाइल फोनों को ट्रेस करके बरामद करके उनके जो ओनर्स हैं, स्वामी हैं, उनको हम लोग लगातार सपोर्ट करते हैं। पहले भी लगातार इस तरह की PC हुई है। उसी क्रम में आज सर्विलांस सेल नगर जोन के मेहनत से, कड़ी मेहनत से पिछले 3 महीने में लगभग 400 मोबाइल फोन जो गुमशुदा हुए थे उनको बरामद करके आज इनके स्वामियों को सुपुर्द किया जा रहा है। इन मोबाइल फोनों की, इन सभी मोबाइल फोन जो ये बरामद हुए हैं, इनकी अनुमानित कीमत लगभग 76 लाख रुपए मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की गई है। और इन सभी ओनर्स को सकुशल ये इनके मोबाइल फोन जो सही हालत में हैं इनको वापस आज सुपुर्द किया जा रहा है। भविष्य में भी इस तरह की जो जब भी हमारी जन कल्याणकारी स्कीम्स होंगी उसको हम लगातार करते रहेंगे। और आप जानते हैं कि आज की डेट में मोबाइल फोन एक आदमी के, एक हर व्यक्ति के आम जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके खो जाने पे एक बहुत बड़ा लॉस जो होता केवल फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि बहुत सारा डेटा, इम्पोर्टेंट डेटा सभी का मोबाइल फोन्स में होता है, तो एक बड़ा लॉस होता है। तो आगरा पुलिस की लगातार मंशा यही है कि जो जनता यहाँ की है किसी भी प्रकार के इस तरह से थेफ्ट या किसी भी प्रकार के गुमशुदगी से जो उनका मोबाइल फोन है उनको बरामद करके उनको दिया जाए। उसी के क्रम में आज यहाँ पर ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए 400 मोबाइल फोन वापस किए। बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता कि उनका मोबाइल चोरी हो जाए, खो जाए, तो पुलिस पर कैसे अप्रोच करें? देखिए बहुत सारे माध्यम हैं। आप यदि आपका मोबाइल फोन खोता है आप EFIR भी कर सकते हैं, आप UPCOP ऐप के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं, आप मैनुअली थाने पे सूचना दे सकते हैं, आप किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के ऑफिस में दे सकते हैं, वो मार्क होके फिर वही सर्विलांस सेल पे जाएगी। और इसी तरीके से जैसे आज हम मोबाइल फोन वापस कर रहे हैं, उनका मोबाइल फोन यदि ट्रेस होता है तो संबंधित व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करके उनको बुला के वापस कराया जाएगा।